सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। देखिए यहाँ पे जितने इनटेक वेल बने हुए हैं वहाँ पर सप्लाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा था। पानी की धारा कम होने के नाते नीचे चली गई है और पानी कम मिलने के नाते हमारे जितने भी इनटेक वेल थे उसमें पानी नहीं पहुँच पा रहा था। ऐसे में जितने भी वहाँ के रोक थे बीच में उसको और गहरा किया जाना था। वहाँ पे गांव वालों द्वारा प्रतिरोध किया जाता था, उन्होंने किनारे उसकी सब्जियां को रखी थी और उनके अपने आने जाने के और बहुत सारे निहित कारण थे। इन सभी चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने वहां पर गांव वालों ने प्रतिरोध किया था। तो उसके बाद हम लोगों ने ये सोचा कि अगर कहीं यहां से फोर्स हट गई और धरा करने के बाद पुनः इन लोगों ने प्रयास किया कि इसको हम पाट दें और पुनः उस पर आने जाने लगे या अपना काम करने लगे। इसके लिए हम लोगों ने वहाँ निरंतर निगरानी के लिए फोर्स लगा दी है। हमारी दो टीमें बनी हैं जो पूरे केन में जितना बांदा जनपद में जहाँ जहाँ प्रतिरोध है रफ्ते बने हैं जो भी चीज़ें हैं रास्ते बने हैं उसको गहरा करके और उन प्रतिरोधों को तोड़ करके जो केन की धारा है उसको पूरी तरह से अविरल बनाया जाए। तो इनका उद्देश्य क्या है कि नदी की निगरानी करने के लिए लगाया गया है कि? जी बिल्कुल, इनको नदी की निगरानी करने के लिए लगाया गया है कि जो कहीं हमने प्रतिरोध हटाए हैं जो उसकी धारा के बीच में प्रतिरोध उत्पन्न थे उसको हमने हटा दिया था, उसको कहीं ये लोग पुनः अगर उसमें कुछ भी अगर करते हैं या कोई हिंड्रेंस करते हैं तो उस पर फोर्स अपना कार्रवाई करेंगे। मैं हेड कांस्टेबल दयाशंकर पांडे थाना कोतवाली से हूँ और यहाँ पर ड्यूटी लगी हुई है। जो ये इंटेक वेल में पानी आ रहा है तो कुछ लोगों ने पहले पानी यहाँ बांधने की शिकायत हुई थी और कहीं कहीं पानी का जो ये रास्ता था वो कहीं कहीं सूख जाने से पानी यहाँ तक नहीं आ पा रहा था, जिसकी वजह से शहर में सप्लाई नहीं हो रही थी, पानी की समस्या थी। तो इस पानी की सप्लाई तो अब शुरू हो गई है, इसको हम लोग ये देख रहे हैं, यहाँ निगरानी कर रहे हैं जलधारा की कि कोई दोबारा इसको बांधे ना, निर्बाध रूप से यहाँ पानी इनटेक वेल तक पहुँचता रहे और लोगों को सप्लाई होती रहे। कब से कब तक ड्यूटी देते हैं आप? यहाँ 24 घंटे ड्यूटी रहती है, हम चले जाएंगे फिर दूसरा आएगा, फिर वो चला जाएगा तीसरा आएगा, इस तरह ड्यूटी यहाँ बराबर रहेगी जब तक यहाँ पानी की समस्या रहेगी। लोग जगह जगह है, ये जो पानी है सूख गया था तो इसके श्रीमान जिलाधिकारी महोदय ने इसको साफ करा के नदी को थोड़ा सा जहाँ जहाँ पे पानी बाधित था उसको साफ करा दिया, अब पानी यहाँ पर आने लगा है और अब पानी बाकायदे चल रहा है तो दोबारा कोई समस्या न हो इसके लिए हम लोगों की ड्यूटी लगाई। तो आप लोग नदी के पानी की रखवाली के लिए यहाँ? नदी के पानी की यहाँ रखवाली कर रहे हैं। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुँच जाए।